योगी सरकार 2.0 में सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश में जिलेवार माफियाओं की जिलेवार सूची तैयार कर माफिया सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया व अन्य 359 माफियाओं को चिन्हित किया गया है। माफियाओं पर निगरानी रखते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा माफियाओं एवं गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक प्रदेश भर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 6,62,78,05,123 रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा माफियाओं एवं गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं तथा गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की जनपदवार सूची उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जो कानून व्यवस्था एवं व्यवस्था शाखा द्वारा निरंतर निगरानी करते हुए ऐसे सभी कुख्यात अपराधियों तथा माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से अपराध कर अर्जित की गई है संपत्तियों की जब्ती करण कर उनकी आपराधिक गतिविधियों का उन्मूलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 से कुख्यात माफिया के नवीन स्तर से समीक्षा करते हुए शासन द्वारा 50 माफियाओं एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 माफियाओं का विशेष रूप से चिन्हीकरण किया गया है, जो निरंतर अपराध में लिप्त होकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी 62 माफियाओं एवं उनके विरुद्ध योजनाबद्ध ढंग से पुलिस मुख्यालय द्वारा मॉनिटरिंग करते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मार्च 2022 से मई 2022 तक कुल 788 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए कुल 6,61,78,05,123 रुपए के अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति प्रदेश भर में कुर्क की गई है। इसमें सर्वाधिक कार्रवाई 2,32,80,29,399 रुपए की अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण मेरठ जोन द्वारा किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि मार्च 2017 से मार्च 2022 तक कुल 20,95,64,53,907 रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 62 माफियाओं के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के माफियाओं को चिन्हित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया, इस तरह 359 माफियाओं को चिन्हित किया गया, जिससे इन अपराधियों पर विशेष तौर पर निगरानी रखते हुए इनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे इनके आर्थिक एवं आपराधिक गतिविधियों का समूल उन्मूलन किया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त जनपदों द्वारा उनके रेंज व जोन के अधिकारियों की निगरानी में इन सभी अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसका परीक्षण एवं दिशा निर्देश प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय की कानून एवं व्यवस्था शाखा द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप माफियाओं और गैंगस्टर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार सराहनीय तरीके से की जा रही है। माफियाओं तथा गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की जनपदवार सूची उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अद्यतन कर तैयारी की गई है, जो कानून व्यवस्था शाखा द्वारा निरंतर निगरानी करते हुए ऐसे सभी कुख्यात अपराधियों तथा माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से अपराध कर अर्जित की गई संपत्तियों के जब्तीकरण कर उनकी आपराधिक गतिविधियों का उन्मूलन किया जा रहा है। मार्च 2022 से कुख्यात अपराधियों की नवीन स्तर से समीक्षा करते हुए शासन के द्वारा 50 माफियाओं तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 माफियाओं का विशेष रूप से चिन्हीकरण किया गया है, जो निरंतर अपराध में लिप्त होकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी 62 माफियाओं और उनके गैंग के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से पुलिस मुख्यालय द्वारा मॉनिटरिंग करते हुए कड़ी कार्रवाई कराई जा रही है।
मार्च 2022 से मई 2022 तक कुल 788 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुल 6,61,78,05,123 रुपए की अपराध से अर्जित संपत्ति प्रदेश भर में कुर्क की गई है। इसमें सर्वाधिक 2,32,80,29,399 रुपए की अवैध संपत्ति का जब्तीकरण मेरठ जोन द्वारा किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मार्च 2017 से मार्च 2022 तक कुल 20,95,64,53,907 रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त की जा चुकी है। उपरोक्त 62 माफियाओं के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के माफियाओं का वर्गीकरण करके चिन्हित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया तथा अन्य प्रकार के 359 माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया है, जिससे इन अपराधियों पर विशेष तौर पर निगरानी रखते हुए इनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे इनके आर्थिक और आपराधिक गतिविधियों का समूल उन्मूलन किया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त जनपदों द्वारा उनके रेंज और जोन के अधिकारियों की निगरानी में इन सभी अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसका पर्यवेक्षण एवं दिशा निर्देशन प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय की कानून व्यवस्था शाखा द्वारा किया जा रहा है। हम इस पूरी माफियाओं के जो आर्थिक साम्राज्य है उसको ध्वस्त करने के लिए कृत संकल्प हैं, और शासन की जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य कर रही है।